नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपना माइंड। वो मुझसे पूछते हैं कि ऐसा कुछ मेथड बताओ जिससे माइंड कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़े। देखिए, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? अपने मन को किसी निश्चित बिंदु पर एकाग्र रखना, है ना, निश्चित जगह पर। जैसे आप बुक पढ़ रहे हो तो बुक पर फोकस हो, माइंड बुक पर फोकस हो, और फिर ये नहीं कि इधर उधर वो भागे। तो इसके लिए क्या है, माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, प्रैक्टिस करानी पड़ती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, जब वो न्यू बोर्न बेबी होते हैं तो उनको प्ले ग्रुप में डाला जाता है पहले। तो प्ले ग्रुप में डालकर एक आध साल तो उनको क्या है, स्कूल में बैठने की आदत डलवाई जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे स्टेबल होकर कहीं बैठते ही नहीं। घर पे आप उन्हें छोड़ दो, इधर उधर भागते रहेंगे। तो प्ले ग्रुप में क्यों डालते हैं? सिर्फ सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि स्कूल में बैठने की आदत डल जाए। इस आदत में उन्हें कितना लग जाता है, 1 साल प्ले ग्रुप में, 1 साल, 1 ईयर लगता है उन्हें, तब जाकर वो अपने आप को स्टेबल रखना सीख पाते, एक जगह बैठना सीख पाते हैं। उसके लिए उनको तरह तरह से बहलाया जाता है, उनको खिलौने दिए जाते हैं, तरह तरह के म्यूजिक सुनाए जाते हैं, ड्राइंग पेंटिंग्स दिखाई जाती हैं ताकि वो बैठना सीख जाए। फिर वो जूनियर में जाते हैं, फिर वो सीनियर केजी में आते हैं, और फिर उसके बाद से फर्स्ट की लर्निंग शुरू होती है। यानी 3 साल सिर्फ इस बात में वेस्ट किए जाते हैं कि बच्चा स्कूल जाकर वहां बैठना सीख जाए। 3 ईयर्स, 3 साल लग जाते हैं इसमें, है ना, वो भी इतने छोटे से बच्चे को। अब आप इतने बड़े हो गए, वो आपके माइंड में दुनिया भर के थॉट आ गए, तो वो स्टेबल रह ही नहीं पाता। वो कहीं यहाँ भटकता है, कहीं वहां भटकता है, कि फ्यूचर के उसे काम याद आते हैं, कहीं पास की घटनाएं उसे याद आती है। तो उसे कंसंट्रेट करने की कैसे आदत डालें, कैसे प्रैक्टिस करें, तो मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। मैं भी इस ट्रिक को हमेशा यूज करता हूँ और मेरा माइंड कंसंट्रेशन बड़ा जबरदस्त रहता है। मैं जहां चाहूँ वहां अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकता हूँ, फोकस्ड रख सकता हूँ। इसके लिए क्या करना है, आपको कुछ बहुत खास चीजें नहीं करनी है। देखो, करना नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना, करना नहीं है, ट्रिक है ये, किसको समझ लो आप। करोगे तो बहुत मुश्किल में फंस जाओगे आप, आपके सिर में दर्द होने लगेगा, आपके आंखों से आंसू बहने लगेंगे। कुछ नहीं करना, आपकी जो नाक की सीध है ना, इसको सिर्फ आंखों को इतने ही खोलो कि नाक के आगे का पॉइंट आपको दिखाई दे। ऐसे खोलोगे ना आप तो इतनी दिखाई देगा, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस लेके आप अगर करोगे तो सर में दर्द होने लगेगा, सर दर्द होने लगेगा। बिना स्ट्रेस लिए अगर आप देखोगे तो आप घंटों अपने नाक नसिका के अग्रभाग को घंटों देख सकते हो, घंटों। और अगर स्ट्रेस लोगे तो मिनटों में ही थक जाओगे, सेकंड्स में ही थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो सीधा सीधा इसका तरीका क्या है कि अगर आप थक रहे हो अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर, तो समझ जाओगे आप जबरदस्ती कर रहे हो। और अगर आप रिलैक्स होकर कर रहे हो तो जबरदस्ती नहीं करो, ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक माइंड कंसंट्रेट हो रहा है। जबरदस्ती मत करो, ढीला छोड़ो शरीर को। आप इस प्रैक्टिस को 5 मिनट से शुरू करो, 2 मिनट करो, 3 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो। जब आप नासिका के अग्रभाग पर माइंड को केंद्रित करना सीख जाओगे, थोड़े ही दिन में, विद इन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर आपकी जो मेमोरी पावर है वो बूस्टअप हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपका माइंड पढ़ाई में अपने आप ही लगने लगेगा। आप खुद ही देखना, आप जो चीजें पढ़ोगे वो आपको याद रहेगी, आपका माइंड फिर यहाँ वहां भटकना बंद कर देगा। स्टूडेंट्स के लिए मेथड बहुत काम करता है, बड़े लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिखाई विधि, और उन्होंने बाकायदा अपने माइंड की कंसंट्रेशन पावर को कई गुना बढ़ा लिया। आप इसे आजमाकर जरूर देखना, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे वीडियोज पर आप कमेंट करते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत